इस सवाल में हमें दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए है, तो हमें 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर हमें साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए दिया गया है तो हम लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इज इक्वल टू 1 और टेन ए इज इक्वल टू 1। और अगर हम इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में देखें तो टेन ए का वैल्यू होना चाहिए परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि हमें पी बाय बी इज इक्वल टू 1 दे दिया गया है। तो हम लेट कर सकते हैं लेट पी इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे 1/1 होगा। सो पी इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू एक्स। तो अगर परपेंडिकुलर और बेस हमें पता है तो हम हाइपोटेन्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम एच इज इक्वल टू होगा रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 2x स्क्वायर, मतलब कि हो जाएगा रूट 2x। तो h का वैल्यू मिल गया है रूट 2x। अगर हमें h का वैल्यू पता है तो अब हम क्या करते हैं कि sec a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि tan a का वैल्यू तो हमें पता ही चल गया है कि 1 है, तो अब हम sec a का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। therefore sec a इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस इज इक्वल रूट 2x बाय एक्स इज इक्वल टू रूट। तो हमें sec a का वैल्यू मिल गया है रूट। अब हम क्या करते हैं tan a एंड sec a का वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। सो 2 इंटू tan a मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू sec a मतलब कि रूट 2 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू होगा 2 माइनस 2 इंटू रूट 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 होता है, सो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो इसका आंसर 3 होगा। थैंक यू।